जय श्री काल भैरव। मेरा नाम वंदना रॉय है। मैं बैंगलोर से हूँ और मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मैनेजर हूँ एज अ प्रोफेशन। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी टाइम पहले शुरू हुई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे लाइफ में कोई कमी थी, मटेरियलिस्टिकली सब कुछ था, बट कहीं कोई हैप्पीनेस नहीं थी। मुझे क्वेश्चंस थे, फिलोसफिकल क्वेश्चंस, तो मैंने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। फिर बुद्धिज़्म में गई, क्योंकि उस टाइम मैं अमेरिका में थी और अमेरिका में बुद्धिज़्म टॉप पे था, तो मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ना मैंने शुरू किया। और मुझे वो फिलॉसफी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि मैं उसको आगे परस्यू करना चाहती थी। और मुझे ये पता लगा कि आप उसमें आगे अगर परस्यू करना है तो आप आपको संन्यास धारण करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए फिर यहाँ अमेरिका से वापस हिमाचल लाई। वहाँ पे दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं एज अ रेफ्यूजी, और वहीं पे दीक्षा मिलती है और आप स्टडी कर सकते हैं फिलॉसफी की, तो मैंने वो शुरू किया। तो मुझे फिलॉसफी बहुत अच्छे से पता लगी, लेकिन कहीं कुछ मिसिंग था। मैं कुछ फिर भी ढूंढ रही थी, मुझे सारे आंसर्स नहीं मिले थे। तो फिर उसके बाद कोविड आया। वैसे भी तो कोविड में काफ़ी कुछ डिसरप्ट हो गया, तो मैं भी मूव आउट हो गई वहाँ से। फिर मैं बैंगलोर आई और उसी दौरान मैं इंट्रोड्यूस हुई थी सदगुरु से, सदगुरु जग्गी वासुदेव से। फिर मैंने ईशा के प्रोग्राम्स करने शुरू किए। वहाँ मुझे अलग एक्सपीरियंसेस हुए, मोर ऑन फिजिकल एंड एनर्जी लेवल, तो वो मुझे और मुझे लगा कि मैं आगे उसमें प्रोग्रेस कर पाऊँगी, तो मैंने वो कंटिन्यू किया। फिर वहाँ पे भी एक टाइम के बाद एक स्टॉपेज हो गई और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। मुझे आगे बढ़ना था और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, और मैं भटक रही थी काफ़ी। दूसरे भी फिर गुरुजी वगैरह से मिली भी, कहीं बात बनी भी, नहीं भी बनी। किसी की फिलॉसफी पसंद आई, किसी की बातें पसंद आई, पर कहीं कुछ जम नहीं रहा था। और मुझे पता था मुझे आगे बढ़ना है, कुछ मिसिंग है। और इसी दौरान मुझे, मैं मेडिटेशन कंटिन्यू रखती थी अपना, तो मुझे कुछ विजन्स आते थे, जैसे कभी काली का विजन, फिर कभी कुछ विजन्स, तो मुझे थोड़ा सा और क्वेश्चंस आने लग गए। तो ये क्वेश्चंस पूछते पूछते फिर और गुरुजी से मिली, कुछ और फ्रेंड से मिली। तो मेरे ही एक फ्रेंड हैं, वो गुरुजी तारामणि जी को जानते थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उनसे। तो मैंने उनसे पहले मैसेज में बात की कि ऐसे ऐसे मुझे विजन्स आते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या इंटरप्रेट करना है या क्या नहीं। तो गुरुजी ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे मुझे बोला कि आप पहले भैरव दीक्षा लीजिए। और पता नहीं क्या उन्होंने जब मुझसे बात की, मैं बहुत एनालिटिकल हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, सोच समझ के कोई भी चीज़ करती हूँ, पर जब उन्होंने बोला तब मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने हाँ कर दी। मैंने एकदम से फीस भर दिया। नेक्स्ट डे एक दो दिन के बाद दीक्षा शिविर था और उन्होंने मुझे बोला कि आप दीक्षा ले लीजिए, और मैंने हाँ कर दिया और मैंने दो दिन बाद दीक्षा भी ले ली। फिर मैंने भैरव बाबा का शुरू किया मंत्र जाप और बस कंटिन्यू किया। और एक एक्सपीरियंस होता था कि समहाउ मैं भैरव बाबा का ध्यान करना चाहूँ तो मुझे कभी भैरव बाबा नहीं दिखते थे, मुझे हमेशा गुरुजी सामने आते थे, पर और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती थी। पर धीरे 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 जब मैं साधना में आगे बढ़ी, तब मुझे एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि गुरुजी ही भैरव बाबा हैं और वो अलग नहीं हैं। उस दिन वो मुझे जो रियलाइजेशन हुआ वो मुझे 100% स्ट्रांग था। फिर मुझे समझ आया कि मुझे क्यों भैरव बाबा नहीं दिखते थे, मुझे हमेशा गुरुजी दिखते थे। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो स्वयं भैरव बाबा हैं। और बस फिर कुछ रुकना नहीं था। उनकी बातें मुझे बहुत इजीली, मुझे सोचना नहीं पड़ता था, वो अट्रैक्ट करती थी। मैं हमेशा उनके बातों से अट्रैक्ट थी और मैं अग्री करती थी। उन्होंने अगर कुछ बोल दिया ऐसा करना है तो मैं बिना सोचे समझे कर लेती थी।
तो ये मुझे समझ में आया कि मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि यही मेरे गुरुजी हैं, इसलिए मैं कोई डाउट नहीं करती उनके कुछ भी बोले हुए को मैं कर लेती हूँ। तो मुझे साधना किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, पर मैं इतना कहूँगी कि आप कि अगर प्यास है, आप भटक रहे हैं उस परम ज्ञान के लिए, उस सत्य के लिए, तो गुरुजी से बढ़कर और कोई नहीं है। वो आपको साधना में भी आगे बढ़ाएंगे और वो सत्य मार्ग में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो स्वयं वहाँ हैं। इसीलिए कई लोग आपको प्रवचन दे के आगे बढ़ा सकते हैं, पर वो वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, जो लोग भटक रहे हैं, जो सच में प्यासे हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली श्री गुरु तारामणि जी से कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूँ आपको आपका मार्ग दिखेगा। ये जेन्युइनली ऑथेंटिक गुरु हैं, आजकल जैसे मार्केट में गुरु जी होते हैं वैसे नहीं हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय श्री काल भैरव।